क्या केवल कंप्यूटर हमारे लिए इनफ है? क्या हम सिर्फ कंप्यूटर के जरिए अपने सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। कई बार हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने पड़ते हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम के पोर्ट से सीधे कनेक्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर में पोर्ट का क्या यूज़ है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या यूजेज हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति, वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर पोर्ट्स या जिसे कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, यह एक पॉइंट होता है जहां हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव, माउस, डेटा केबल, कीबोर्ड एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर पोर्ट का यूज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम पोर्ट में किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो पोर्ट उस एक्सटर्नल डिवाइस के डेटा को कंप्यूटर तक सेंड करता है या कंप्यूटर द्वारा भेजे गए मैसेजेज या कमांड को उस एक्सटर्नल डिवाइस तक पहुँच। कंप्यूटर पोर्ट बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है जो दो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करता है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर पोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली कंप्यूटर पोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन सीरियल पोर्ट एंड सेकेंड पैरेलल पोर्ट। यह दोनों तरह के पोर्ट ही बी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि डेटा को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के बीच मेन डिफरेंस यह होता है कि सीरियल पोर्ट एक बीट के बाद एक बीट डेटा ट्रांसमिट करता है, जबकि पैरेलल पोर्ट एक बार में 8 बीट डेटा को ट्रांसमिट करता है। बेसिकली सीरियल पोर्ट स्लो होता है पैरेलल पोर्ट से। सीरियल पोर्ट का यूज़ माउस कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, जबकि पैरेलल पोर्ट का यूज़ फास्ट काम के लिए, जैसे कि प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पोर्ट्स और उनके यूजेज के बारे में। नॉर्मली कंप्यूटर में 16 तरह के पोर्ट पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं उनके यूजेज के बारे में। तो सबसे पहले जो पोर्ट आता है उसका नाम है पावर कनेक्टर, या आप पावर सप्लाई भी कह सकते हैं। पावर कनेक्टर का यूज़ आप अपने सीपीयू में करंट भेजने के लिए करते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर ऑन होता है, या फिर कहें आपका कंप्यूटर काम करना स्टार्ट करता है। कंप्यूटर ऑन करने के लिए पावर कनेक्टर के प्लग को घर के प्लग में लगाया जाता है, जहाँ से 220 वोल्ट का करंट आता है। बेसिकली इस कनेक्टर का यूज पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो पोर्ट आता है उसका नाम है सीपीयू फैन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सीपीयू फैन कंप्यूटर के हीट को बाहर निकाल देता है, जिससे कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर्स हैं वो ठंडा रहें और कंप्यूटर सही से काम कर सके। इसके बाद आता है पोर्ट PS2 कनेक्टर। PS2 कनेक्टर एक 6-पिन मिनी कनेक्टर होता है, जिसका यूज कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें दो टाइप के कलर कोड पाए जाते हैं, जैसे कि पर्पल कलर में हम कीबोर्ड को और अगर ग्रीन कलर है तो उसमें हम माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर माउस कीबोर्ड USB आने लगे हैं, फिर भी आपको कलर कोड के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है लैन पोर्ट। लैन पोर्ट को हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में नेट चलाना चाहते हैं केबल की हेल्प से, तो आप यहाँ पर इस पोर्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑडियो पोर्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 3 टाइप के कलर के पोर्ट होते हैं, जिसका यूज़ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है पिंक कलर, जहाँ पे हम माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पर्पल कलर, जहाँ पे हम ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है ग्रीन कलर का पोर्ट, जहाँ पे हम हेडफोन, स्पीकर जैसे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो पोर्ट आता है उसका नाम है VGA पोर्ट। इसका यूज़ आप डेस्कटॉप को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन में जो कुछ भी CPU का दिखाई देता है, वो सारा का सारा VGA केबल के हेल्प से दिखाई देता है। यहाँ पे आप किसी भी मॉनिटर, LCD या फिर TV को CPU से कनेक्ट करना चाहें तो इस VGA पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो पोर्ट आता है उसका नाम है HDMI, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका यूज़ आप मॉनिटर या स्क्रीन में हाई डेफिनेशन वीडियो देखने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोर्ट आता है उसका नाम है DVI, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ये डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है। इसके यूज़ से आप सिर्फ पिक्चर या वीडियो देख सकते हैं। ऑडियो के लिए आपको अलग से ऑडियो पोर्ट का यूज़ करना होगा।
इसके बाद जो पोर्ट आता है उसका नाम है यूएसबी पोर्ट, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर सीपीयू में दो तरह के यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, यूएसबी 2.0 पोर्ट एंड यूएसबी 3.0 पोर्ट। यूएसबी 3.0 पोर्ट की स्पीड ज़्यादा होती है यूएसबी 2.0 पोर्ट से। आप इस यूएसबी पोर्ट की हेल्प से माउस, कीबोर्ड, वेबकैम या कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या अगर आपको अपने फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप इस यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा केबल की हेल्प से। होगा आप तो फ्रेंड्स यूएसबी टाइप सी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यूएसबी टाइप सी यूएसबी का एक लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है एंड यह रिवर्सिबल कनेक्टर को सपोर्ट करता है। रिवर्सिबल कनेक्टर यानी कि किसी भी तरफ से उलट पलट कर आप इस यूएसबी को कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसका एक और एडवांटेज है कि यह डेटा ट्रांसफ़र बहुत फास्ट करता है, मोर देन 400 Mbps। एंड यही कारण है कि यह मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था सीपीयू के बैक साइड का पोर्ट्स। अब आइए जानते हैं सीपीयू के फ्रंट में जो भी प्लग या पोर्ट्स होते हैं उनका क्या यूजेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर स्विच की। आपको अपने कंप्यूटर को ऑन या स्टार्ट करने के लिए ये बड़ा वाला बटन प्रेस या क्लिक करना होगा जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है रीसेट बटन। अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है तो आप रीसेट बटन प्रेस करके या क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेडफोन जैक। अगर आप किसी भी टाइप का हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो हेडफोन पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोफोन। अगर आप किसी भी टाइप के माइक्रोफोन या स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है यूएसबी पोर्ट। तो फ्रेंड्स आजकल बहुत से कंप्यूटर सिस्टम में फ्रंट में भी यूएसबी पोर्ट दिए होते हैं, तो इस पोर्ट में आप मोबाइल या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिकल ड्राइव या आप उसे सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रे बटन होता है जिसे प्रेस करने पे ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपने सीडी डीवीडी को प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा सीपीयू के फ्रंट और बैक साइड में पोर्ट्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।